तो हम लोग आ गए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तीन चीजें हैं बस। पहला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या करना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखना है साइज को। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या देखना है, साइज। कार्बन जितने ज्यादा होंगे पहली चीज। दूसरी चीज ब्रांचिंग में क्या था, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उतना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगा। और अगर एक जैसे आ गए तो आपको क्या देखना है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उसमें देखना है सिमेट्री को, अगर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको तो। और बॉइलिंग पॉइंट में आपने देखना है डाइपोल मोमेंट को, यानी पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें सॉलिबिलिटी का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट को देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैरा का, फिर ऑर्थो का, और लास्ट में मेटा का। और अगर बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे हम लोग तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑर्थो, फिर लगभग पैरा और मेटा इसने इक्वली माने। थोड़ा सा इसने पैरा को ज्यादा बता दिया लेकिन लगभग लगभग दोनों इक्वली होते। तो ये है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी भी क्या होती है, जो डेंसिटी है ये भी नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करती है। जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उतना डेंसिटी ज्यादा होगी, इतना नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उतना डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो पहली चीज ये हो गई। सेकंड क्या है कि अगर हेलोजन ज्यादा होंगे, हेलोजन, तो जितने नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा होंगे उतना उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ हेलोजन की, ठीक है। और तीसरा अगर हमने देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3F, सेकेंड है CH3Cl, थर्ड है इसमें CH3Br, और फोर्थ है इसमें CH3I। तो जो CH3I है उसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे आपने किया CH3F और CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो I का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी का ऑर्डर हो गया। इसके बाद आता है सॉलिबिलिटी का। तो सॉलिबिलिटी में क्या है, तीसरा पॉइंट है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में हमने देखना है कि जो भी हेलो एल्केन होता है ये लेस सॉलिबल होता है या इनसॉलिबल होता है वाटर में, इनसॉलिबल होता है वाटर में, ठीक है। उसका रीजन क्या है, वाटर में इनसॉलिबल होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। सबसे पहली बात, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। दूसरा, ये जनरली नॉन पोलर होते हैं या इनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, इसीलिए वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और इसमें अगर आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, यानी कि मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होते हैं। तो जो नॉन पोलर होते हैं वो अच्छे डिजोल्व होते हैं नॉन पोलर के साथ, और जो पोलर होते हैं पोलर के साथ अच्छा डिजोल्व होते हैं। तो इसीलिए ये लगभग लगभग वाटर में इनसॉल्युबल होगा या वेरी लेस सॉल्युबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये आपका फिजिकल वाला फिनिश होता है। अब इसके बाद आता है केमिकल में। केमिकल में इसमें तीन ही रिएक्शन मेन है बस। पहली रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप पढ़ोगे SN1 और SN2। न्यूक्लियोफिलिक में SN1 और SN2। सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में एक रूल काम करता है आपके पास, वो है आपका सेटजेफ रूल। एलिमिनेशन में आपने कौन सा रूल लगाना है, यहाँ पे सेटजेफ रूल। तो एलिमिनेशन में हर हमेशा सेटजेफ रूल फॉलो होगा। और थर्ड आता है इसमें रिएक्शन विद मैटर।
रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल में कौन सी चीज होगी, जैसे वुड्स रिएक्शन है आपके पास, वुड्स, एक है फिटिंग रिएक्शन, थर्ड है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, और फोर्थ इसमें आता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वन न्यूक्लियोफाइल इज डिस्प्लेस और रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैंने कहा यहाँ पे CCl हो जाएगा और इसमें OH माइनस, तो ये OH माइनस और Cl माइनस दोनों न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये OH क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो OH खुद आ जाएगा और Cl को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो ये हो गया आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपके पास दो है, एक है SN1। तो सबसे पहली खास बात SN1 की क्या है कि ये टू स्टेप की रिएक्शन होती है, टू स्टेप की रिएक्शन होगी, यानी कि सबसे पहले जैसे ये Cl है तो पहले स्टेप में क्या होता है कि ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कटायन। तो इसमें कार्बो कटायन बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज होता है कि जब ये प्लस चार्ज आ गया, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैच हो जाएगा, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब इसकी खास बात क्या है, देखो पहली खास बात क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, इस सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करेगा, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन स्लो होती है, जो भी रिएक्शन स्लो होती है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और ये रिएक्शन फास्ट होगी तो जो फास्ट होगी वो तो रेट डिटरमाइन करेगी नहीं, तो रेट कौन सी डिटरमाइन करेगी, जो स्लो होगी। तो अगर कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, अगर वो कहेगा कि हमने CH3Cl या जो सब्सट्रेट है इसको डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसमें, सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे वाटर वीक है, एल्कोहल वीक है, तो जब आपने देख लिया कि वीक न्यूक्लियोफाइल है यानी ये SN1 को फेवर करेगा। ठीक है, तो SN1 को सेकेंड पॉइंट है वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तीसरी चीज है जो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होती है, यानी जो फास्ट रिएक्शन होगी वो टर्सरी की होगी और फिर सेकेंडरी की और लास्ट में प्राइमरी। ठीक है, जब भी आपको चेक करना होगा SN1 को तो कौन सी फास्ट रिएक्शन होगी, ये टर्सरी वाली, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। फोर्थ इसमें आता है अगर जो लिविंग ग्रुप लगा होगा तो I सबसे जल्दी रिलीज हो जाएगा, फिर BR, फिर CL और सबसे लास्ट में F। तो ये इसकी कुछ खास बात और इसमें अब कार्बो कटायन बनता है, जब कार्बो कटायन बनेगा तो इसमें होता है रीअरेंजमेंट, और ये रीअरेंजमेंट क्या करता है, बहुत सारे आंसर को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं कि एक अभी आपने लास्ट में पढ़ा होगा फिडल क्राफ्ट, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडल क्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे ये लिखा हमने CCCCl और ये क्या होता है बेंजीन के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ पे Cl लगा दो तो इसमें ये प्लस चार्ज यहाँ आता है तो ये जाता है ऑर्थो या पैरा पे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो होना क्या चाहिए था रिएक्शन को, क्योंकि जो Cl है इसके सामने वाला ये C इसमें अटैच हो जाता है, तो ये होना चाहिए था इस तरीके से रिएक्शन को 1 2 3, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन इसका आंसर ये अगर आप करोगे तो गलत हो जाएगा, रीजन कि यहाँ पे कार्बो कटायन बनता है, जैसे Cl निकलेगा यहाँ से तो पहले यहाँ पे बन जाएगा कार्बो कटायन। अब ये कार्बो कटायन प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो ये क्या करता है ये प्लस चार्ज यहाँ से शिफ्ट होके सेकंड में चले जाता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो अब ये प्लस चार्ज आपका सेकंड में चला गया, जबकि आपको दिखने से लग रहा है ये फर्स्ट वाले में। अब इसका आंसर क्या होगा, जब आप इसका आंसर चेक करोगे तो आपको इसका आंसर दिखेगा यहाँ पे 1 Cl,
ये बीच वाला सीएल इससे अटैच होगा, ठीक है? तो आंसर बदल गया। तो अगर कार्बोकैटायन बनेगा कहीं पे भी, या आपको पता चल गया SN1 रिएक्शन है, तो वहां पे जहां पे भी प्लस आएगा तो आपको चेक करके देखना है कि जो बगल वाला है कोई वो सेकेंडरी या टर्सरी तो नहीं है। अगर उससे ज्यादा स्टेबल वाला हुआ, अगर टर्सरी हुआ तो सबसे जल्दी शिफ्ट करेगा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है? इससे कुछ आंसर चेंज हो जाते हैं। तो दिखने में आपको लगेगा ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। तो रीजन क्या है कि जो कार्बोकैटायन होता है वो रीअरेंजमेंट कर देता है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन आती है SN2। SN2 मतलब जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टू मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे इसकी जो होती है वन स्टेप की रिएक्शन होती है, ये इसमें वन स्टेप ही होता है। वन स्टेप में क्या होगा, जैसे आपने ये लिया, यहाँ सीएल ले लिया, और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेट नहीं करेगा। जैसे आपके एग्जाम अभी दिसंबर में, तो अभी से आप वेट नहीं करोगे कि एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो ये क्या करता है, वेट नहीं करता, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे आपके बुक में ये लिखा हुआ है ज्यादातर C2H5O- या C2H5ON, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एन ए को हटा दो CO में माइनस हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे NaOH होता है ये स्ट्रॉन्ग है, KOH होता है एक्वस का, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो ये वेट नहीं करेंगे, तो ये जैसे अटैक करेंगे यहाँ पे क्या करेगा कि ये Cl यहाँ से निकलता जाएगा और यहाँ से ये OH ग्रुप यहाँ से अटैक करेगा। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये इंटरमीडिएट वाली स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि किस स्टेट में कार्बन की वैलेंसी 5 होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है? तो ये 5 स्टेट हो गया। अब इसके बाद ये सीएल यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये OH यहाँ लग गया इस तरीके से, ठीक है? तो ये बन गया आपके पास ट्रांजिशन स्टेट और ये कंपाउंड आपका। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, तो ये दोनों जो न्यूक्लियोफाइल है और जो सब्सट्रेट है दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने सब्सट्रेट को और न्यूक्लियोफाइल को इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होता है जो सब्सट्रेट है और जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर आपने दोनों कंसंट्रेशन डबल कर दी तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी 2A, और यहाँ पे भी 2A, तो 2A × 2A का मतलब हो जाएगा 4, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो जाएगी पहले के, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, सब्सट्रेट भी और न्यूक्लियोफाइल भी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन अगर ये आ सकता है, आए तो, कि अगर हमने कंसंट्रेशन डबल कर दी सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल की तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर सब्सट्रेट की डबल की बस और न्यूक्लियोफाइल की नहीं करी तब ये 2 टाइम्स ही होगा, बस 2 टाइम्स, ठीक है? सेकेंड चीज क्या है इसमें कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसमें 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे खिसकेगा नहीं, जैसे मैंने कहा सेकेंडरी वाले में, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है? जैसे उसमें हमने किया था शिफ्टिंग का, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक? और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी सबसे जो वो है आपका, सबसे ज्यादा कौन चलेगा, प्राइमरी चलेगा, और फिर सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में टर्सरी। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है? तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो है इसमें वर्क करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जितना छोटा साइज होगा, जैसे यहाँ पे एच ग्रुप लग गया, तो छोटा साइज होगा तो जो दूसरा ग्रुप यहाँ से अटैक कर रहा है वो पीछे से अटैक करेगा, तो जो अटैक करेगा उसके लिए अटैक आसान हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्टेरिक, स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस। जो स्टेरिक फैक्टर है उसकी वजह से, क्योंकि जो स्पेस है, अगर बड़े बड़े ग्रुप लगा दिया आपने, बड़ा ग्रुप लग गया, ये बड़ा ग्रुप लग गया,
यहाँ बड़ा ग्रुप लग गया तो जो अटैक है वो क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो ये दिखाया भी हुआ इसको कि जितना छोटा ग्रुप होगा उतना क्या होगा, अटैक फास्ट हो जाएगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उसको अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए ऐसे इसमें दिखाया हुआ है कि अगर SN2 रिएक्शन है तो SN2 में देखो जो प्राइमरी वाला वो रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा, क्योंकि ये अटैक कर रहा है यहाँ से, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए तो इसको अटैक करना इजी हो जाएगा। दूसरी बार सेकेंड वाले में भी अटैक कर रहा है लेकिन यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लग गया तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी, तो इसे कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी में दो बल्कि ग्रुप लग गए, दो बल्कि ग्रुप हो गए तो रिपल्सन और ज्यादा हो जाएगा तो ये जो अटैक है इसका और स्लो हो जाएगा। और टर्सरी में क्या होगा, तीनों के तीनों बल्कि ग्रुप लगे हैं तो अब इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए जब भी टर्सरी होता है तो वो SN1 को फेवर करता है और प्राइमरी होता है तो SN2 को फेवर करता है, और अगर सेकेंडरी होगा तो इसकी दोनों पॉसिबिलिटी है, SN1 और SN2। इसमें आपको रिएजेंट देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर वीक होगा वीक न्यूक्लियोफाइल तो ये फेवर करेगा SN1 को, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये फेवर करेगा SN2 को। और आपको इसमें क्वेश्चन आता है हाइड्रोलाइसिस का, तो हाइड्रोलाइसिस में हर हमेशा ध्यान रखना SN1 रिएक्शन फॉलो होती है, SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं होती। तो जब भी आएगा कि हाइड्रोलाइसिस का बताओ तो आपको ध्यान रखना है कि जो टर्सरी होगा वो जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, फिर सेकेंडरी वाला और लास्ट में प्राइमरी वाला। ठीक है, तो इसका रीजन है SN2 का स्टेरिक इफेक्ट और SN1 का है कार्बोकैटायन, तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन होंगे। अब इससे देखो फर्क क्या पड़ता है, इससे स्टीरियो केमिस्ट्री में फर्क पड़ता है। अभी इसके बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री को ही डिस्कस करता हूँ आपसे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम देख पूछ लेते हैं आपसे, किसको पता है इसके बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये दिख रहा होगा आपको, ये कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन किसमें फास्टर होगी, फर्स्ट है ये और ये सेकंड है, तो कौन सा आंसर पे आप टिक करोगे, SN1 SN2 रिएक्शन किस फेवर किसके किसमें फास्ट होगी, रिप्लाई करना। ओके सुमित, और इसके अलावा अंबिका, यामिनी, ओके ओके सुमित एंड अंबिका। मैंने कहा ये जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने राउंड किया हुआ, ये इसमें SN2 रिएक्शन किस केस में फास्ट होगी, पहला ये है फर्स्ट और सेकंड ये है, इन दोनों में से किस केस में SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। नो, सुमित ने आंसर सही बताया बस इसका। अच्छा, सॉरी, वन सही है, वही वन सही है, वन सही है। इसमें देखो ये वन वाला कौन सा है, प्राइमरी है, और ये कौन सा है, सेकेंडरी हो गया, टू वाला सेकेंडरी, पहले सही बता दिया था बाकी ठीक बताया सबने। तो ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी का है, बस देखो ये जो कार्बन Cl अटैच है वो किस कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी से, और यहाँ पे प्राइमरी से। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो ठीक बताया आप लोगों ने, ये फास्ट होगा और ये स्लो हो जाएगा। ऐसे सेकेंड वाला ये बताओ, ये वन है और ये टू है, तो इन दोनों में से किसमें रिएक्शन फास्ट होगी। ओके सुमित, और इसके अलावा अंबिका, यामिनी, नो, हाँ, ठीक कर दिया, वेरी गुड। देखो इसमें आई का बड़ा साइज होता है, तो आई होता है जो ये गुड लिविंग ग्रुप होता है,
जो आई होता है, आई का बड़ा साइज होगा तो आई क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा, इसीलिए आई वाला फास्ट हो जाता है और ये वाला स्लो हो जाता है, ठीक है। सीएल क्योंकि छोटा साइज है, टाइटली बाउंड करके रखेगा तो निकलेगा नहीं बाहर। आई का बड़ा बड़ा साइज होता है तो आई का जो आई है बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, फिर बीआर, फिर सीएल और लास्ट में फ्लोरीन, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब इसके बाद है नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसमें आ जाता है, इसमें दिया होगा, नहीं एक मिनट, यहाँ होगा। SN1 और SN2 रिएक्शन में कौन सी चीज फास्ट होगी और कौन सी स्लो होगी? नहीं एक मिनट, कहीं ना कहीं दिया है वो क्वेश्चन। हाँ ये वाली रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा हो 10.7 का, ठीक है। इसमें पूछ रहा है वो कि बताओ कौन सा है जो SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, SN2 रिएक्शन। अब फर्स्ट वाला देखो, ये वाला दिख रहा होगा आपको और ये है, इन दोनों में से बताओ SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, SN2 रिएक्शन। वन ये है और ये टू है, वन या टू। ओके अंबिका यामिनी एंड सुमित, इसका आंसर है नहीं। SN2 में क्या होता है, देखो दोनों उन्होंने सही दे दिया, अंबिका एंड यामिनी ने। देखो इसमें क्या होता है, SN2 में, SN2 किसके फेवर में होता है, SN2 फेवर होता है प्राइमरी के, फिर सेकेंडरी के और फिर टर्शरी के। तो इसमें से देखो ये जो बीआर है वो केवल इस कार्बन से अटैच है जो एक कार्बन से अटैच है, यानी ये वाला प्राइमरी है, और यहाँ पे जो बीआर अटैच है वो जो जिस सी से अटैच है वो दो सी से अटैच है, यानी ये वाला हो गया सेकेंडरी। तो ये किसको फेवर करेगा, प्राइमरी को फेवर करता है, इसीलिए फर्स्ट आंसर इसका सही होगा, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो सेकंड का बताओ, इन दोनों में से ये वन हो गया और ये हो गया टू, तो इन दोनों में से किसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगी? ओके अंबिका एंड सुमित एंड यामिनी, तो इसका आंसर है जो वो आपने सही दिया दोनों ने, सुमित एंड अंबिका, ठीक है। इसका आंसर है यामिनी। ओके डी, इसका आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट वाला ही। इसमें क्या होता है, जो ये सीएल है ये सेकेंडरी सीएल है और ये वाला देखो ये टर्सरी है, तो SN2 कभी भी फेवर नहीं करता टर्सरी को, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट इज द राइट आंसर, सेकेंड नहीं होगा। अब ऐसे ही देखो ये वाला, अब इसको उसने क्वेश्चन घुमा दिया, देखो ये दोनों प्राइमरी दे दी, दोनों प्राइमरी दे दी, अब बताओ कौन सा होगा थर्ड में, बताओ वन एंड टू। अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, दोनों को प्राइमरी दे दिया और बोला SN2 रिएक्शन, तो किसको क्या चीज देखेंगे आप? अब बताओ थर्ड का आंसर वन या टू।
सुमित, ओके, अंबिका एंड यामिनी। हाँ, यामिनी और सुमित का राइट आंसर। अब की बार अंबिका ने मिस कर दिया। देखो क्या होता है, एसन टू रिएक्शन। मैंने क्या बताया था आपको कि जो स्पेस पे कितना क्लाउड है। अब देखो ये सीएल है, अब ये बीआर यहां से जाएगा तो ये जो CH3 है बहुत दूर है। अब ये ग्रुप यहां से आएगा तो इसको कम डिस्टर्ब कर पाएगा। इसमें देखो जहां पे बीआर लगा हुआ है वहीं पे ये CH3 ग्रुप लग गया। अब जो दूसरा आएगा वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो अटैक कैसे करेगा क्योंकि इसी के सामने बल्की ग्रुप लग गया। अब दोनों प्राइमरी हैं लेकिन फर्क क्या कर दिया उसने, देखो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ये सेकेंड कार्बन में, यहाँ पे CH3 ग्रुप थर्ड कार्बन में, तो जो दूर है उसका रिपल्सन कम होगा, तो इसमें लेस रिपल्सन हो जाएगा या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जो स्पेस है उसमें जो हिंड्रेंस होता है वो कम हो जाएगा, इसमें ज्यादा होगा क्योंकि तो बिल्कुल पास खड़ा हुआ है। पास खड़ा तो ये ग्रुप यहाँ से आ नहीं सकता है, ठीक है, अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि बल्कि ग्रुप इसके सामने है, इसीलिए सेकंड वाला हट जाएगा और ये फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी सारे इन्होंने फर्स्ट फर्स्ट ही आंसर दिए, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, तीनों आंसर सही है, ये बाकी गलत है। अब वो कह रहा है चलो SN2 का तो आपको टेस्ट ले लिया, अब वो बोल रहा है SN1 बताओ किसका ज्यादा होगा। SN1, अब ये ऑप्शन दे दिया आपको, 1 और ये 2, किसकी स्पीड ज्यादा होगी यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगा, ये आपका 1 और ये आपका 2, तो किस केस में SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, अंबिका, सुमित और यामिनी। ओके, मिस कर गए आप दोनों के दोनों। अंबिका ने ये वाला सही दे दिया। देखो SN1 में क्या होता है, SN1 में ठीक अपोजिट हो जाता है, SN1 अपोजिट है SN2 का। SN1 में क्या देखेंगे, टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे देखो जो ये सीएल है वो जिस सी से अटैच है वो 2 सी से अटैच है, यानी ये वाला सी हो गया सेकेंडरी। अब यहाँ पे देखो ये जो सी है ये 3 सी से अटैच है, तो ये हो गया आपका टर्सरी। तो जो टर्सरी वाला होता है वो ज्यादा फास्ट होता है सेकेंडरी से, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला सही आंसर है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब ऐसे ही बताओ इसमें भी, ये और ये दोनों है आपके पास 1 और 2, इसमें से SN1 रिएक्शन किस में फास्ट होगी, 1 या 2। ओके, अंबिका एंड यामिनी, सुमित। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, देखो इसको अप्लाई करना है क्योंकि आ सकता है उसमें कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। ओके कि हाँ, तीनों ने सही आंसर दे दिया है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। कैसे, देखो जो ये वाला सी है ये 2 सी से अटैच हो गया, 1 एंड 2 सी, तो ये हो गया सेकेंडरी, और ये वाला जो सी है वो 1 ही सी से अटैच है तो ये हो गया प्राइमरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी वाला ज्यादा फास्टर होता है प्राइमरी वाले से, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये 4 क्वेश्चन होंगे, तो आपको देखना है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है, या तो उसने कुछ ना कुछ क्लू दिया होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल, या फिर अगर प्राइमरी होगा तो वो फेवर करेगा SN2 को और टर्सरी होगा तो फेवर करेगा SN1 को। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा और इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये SN1 SN2 का हो गया। अब इसके बाद इसमें आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, ठीक है, अगर हमने किसी ग्रुप को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा और उसमें कौन सा रूल लगता है, एलिमिनेशन का अलग से बताता हूँ। इसमें लगता है सर्जेफ रूल,
ठीक है, एलिमिनेशन में आपके पास वैसे दो रिएक्शन होती है, लेकिन हम एक ही को ज्यादा करते हैं इसमें। तो एलिमिनेशन का मतलब जैसे एक ग्रुप है आपके पास और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके पास दो ऑप्शन है कि हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन भी हट सकता है और यहाँ वाला हाइड्रोजन भी हट सकता है। एलिमिनेशन के लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल होती है? एलिमिनेशन करना यानी किसी ग्रुप को रिमूव कर देना। तो इसके लिए जो ग्रुप होता है हमारे पास, वो होता है एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH या NaNO3S NH3, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये दो तो बहुत चलते हैं आपके पास। तो ये कौन से ग्रुप हैं जिसकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा? तो अब एलिमिनेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन हो गए, ये वाला हाइड्रोजन निकले, या सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि ये वाला हाइड्रोजन निकले। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो सर्जेप कहता है, सर्जेप ये कहता है कि वो वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, वो वाला हाइड्रोजन क्या होगा, शिफ्ट होगा, या वो वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसका जो कार्बन होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला जो एच है इसमें कितने कार्बन अटैच है, वन एंड वन, टू कार्बन अटैच है, जबकि इस कार्बन के पास कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो इसीलिए यहां से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो ये टू वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, टू और थ्री के बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ टू और थ्री के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा रूल होता है, सर्जेप रूल। तो कई बार वो केवल यही पूछता है कि किस रूल पे बेस्ड है। तो जब आप एलिमिनेट करोगे तो सर्जेप रूल, और जब ऐड करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो सर्जेप रूल और मार्कोनिकॉफ रूल, ये दोनों याद रखने हैं आपने। एलिमिनेशन में कौन सा रूल लगेगा, सर्जेप रूल, SES, और अगर एडिशन करोगे आप तो कौन सा रूल लगता है, एडिशन के लिए लगता है आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और किसकी प्रेजेंस में होती है ये, एल्कोहलिक KOH। अगर एल्कोहलिक KOH दे दिया आपको तो समझ जाना आप एलिमिनेशन करेंगे, या एल्कोहलिक NaOH तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा रेजेंट किस चीज के काम आता है, और ये हर एक को रिमूव नहीं करेगा, ये केवल हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करता है बस, और कुछ नहीं करता। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे है Cl, ठीक। तो अब देखो, अब इसके पास दो ऑप्शन है, एक हाइड्रोजन यहां से निकलना चाहेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलना चाहेगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अब दो ऑप्शन है इसके पास, तो वन और टू, लेकिन हम क्या रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सर्जेप रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन में सी लग गया। अब हमें कौन सा हाइड्रोजन निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा टू वाला, क्योंकि ये ज्यादा कार्बन से अटैच है, इसमें जो कार्बन एटम है वो ज्यादा अटैच है, इसीलिए ये इधर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो जो भी हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलेगा उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बनाता है, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, पहला एल्कोहलिक KOH, और या फिर लिख देगा वो KOH इन एथेनॉल, एक ही बात है क्योंकि एल्कोहल एथेनॉल ही होता है, ठीक है, या फिर NaOH इन एथेनॉल। तो एथेनॉल हो या मेथेनॉल हो, है तो एल्कोहली, तो उसका मतलब भी वो एलिमिनेशन देगा। तो ये दोनों मिलके देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर केवल उसने लिख दिया NaOH एक्वस का या इन वाटर, और ऐसे लिख दिया KOH इन वाटर,
तो ये दोनों मिलके देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ध्यान रखना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोनों के रोल अलग अलग है। इसका काम है OH को इंट्रोड्यूस करना और Cl को बाहर कर देना, इसका काम है HCl को ही बाहर कर देना, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हैं जो आपके पास आ सकते हैं उसमें भी, कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसका थर्ड स्टेप होता है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। तो आपको रिज्वाइन करना है, टाइम खत्म हो गया लगभग, ठीक है। तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, ये लगभग फिनिश होगा, तो उसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे हम। तो रिज्वाइन करो सेम आईडी,